राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैक्सी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त कर लो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा को मानते हुए कैक्सी विश्रवा के पास चली गई। जैसे ही वह आश्रम पहुंची, उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे और विश्रवा जी अग्निहोत्र कर रहे थे। इसीलिए कैक्सी उनके पास ही सर झुकाकर खड़ी हो गई। अग्निहोत्र समाप्त होने के बाद महाराज श्री विश्रवा ने कैक्सी से कहा कि तुम किसकी कन्या हो और यहाँ क्यों आई हो। तो कैक्सी ने उनसे कहा कि मैं अपने पिता राक्षस राज सुमाली की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। मैं किस कारण से आई हूँ, मेरे उस मनोभाव को आप स्वयं ही अपने तपोबल से जान लीजिए, क्योंकि मुझे अपने मुख से इस मनोभाव को कहने में लज्जा आ रही है। कैक्सी की ये बात सुनकर महाराज श्री ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और बोले कि तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे पास आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु जिस तरुण वेला में इस इच्छा को लेकर तुम यहाँ आई हो, इसके कारण तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैक्सी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैक्सी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा, लेकिन तुम्हारी बाकी सारी संतानें राक्षसी उत्पन्न होंगी। इसके बाद कैक्सी महर्षि विश्रवा को अपने पति के रूप में वरण करके उनके साथ रहने लगी। कुछ साल बाद कैक्सी ने 10 मुख वाले बड़े ही भयानक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी 20 भुजाएं थीं और वो कोयले के पहाड़ जैसा काला था। कैक्सी के उस राक्षस पुत्र के पैदा होते ही धरती कांपने लगी थी और सभी सरिताओं का स्वामी विशुद्ध हो उठा था, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके कुछ समय बाद कुंभकर्ण, शूर्पणखा और अंतिम में विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। उसके जन्म लेने पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी थी, इसलिए कैक्सी अपने उस महात्मा पुत्र के जन्म होने पर खुद को धन्य समझने लगी थी।